हाय फ्रेंड्स, मैं स्मृति। आज मैं आपके लिए बिना अंडे का सुपर सॉफ्ट और स्वादिष्ट चॉकलेट सूजी केक की रेसिपी लाई हूँ, वो भी कढ़ाई में। तो देखिए दोस्तों, कितना अच्छा टेक्सचर आया है। बिल्कुल सुपर सॉफ्ट स्पंजी है ये केक और खाने में तो बहुत ही यमी है। इसको बनाने के लिए ना आपको ओवन चाहिए ना माइक्रोवेव। ये डिलीशियस केक कढ़ाई में बन के रेडी हुआ है बहुत ही आसानी से घर के किचन में, बिल्कुल बेकरी स्टाइल में। तो आइए देखते हैं इस चॉकलेट सूजी केक बनाने की रेसिपी। सूजी चॉकलेट केक बनाने के लिए मैंने यहाँ पे करीब इस बाउल में इसकी नाप से मैंने सारी चीजें ली हैं। तो यहाँ मैंने एक कप दही लिया है, ये एक कप के बराबर होती है दही। तो ये कप दही डालेंगे मिक्सिंग बाउल में। और साथ ही मैंने यहाँ पे कुकिंग ऑयल लिया है, आप कोई सा भी रिफाइंड ऑयल ले सकते हैं। ये मैंने हाफ बाउल लिया है, करीब हाफ कप की मेरा कुकिंग ऑयल है। साथ ही मैंने यहाँ पे ये कैस्टर शुगर लिया है, पिसी हुई चीनी, चीनी को मैंने मिक्सर जार में पीस लिया था। और ये भी मैंने हाफ कप लिया है, मतलब हाफ बाउल, क्योंकि हम चॉकलेट केक बना रहे हैं बिस्किट से, चॉकलेट सूजी केक। तो क्योंकि बिस्किट में भी थोड़ा शुगर होता है, इसलिए मैं चीनी कम ही डाल रही हूँ। आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी डाल सकते हैं। अभी हम इन तीनों चीजों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि आप दही जो ले वो फ्रेश दही ही ले, आप खट्टी दही ना ले। और इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है, क्योंकि दही में थोड़े लम्स ना रहे हैं बस। तो यहाँ मैंने दही, चीनी और ऑयल को अच्छे से मिक्स कर लिया है 2 से 3 मिनट। अब हम इसमें डालेंगे सूजी। तो ये मैंने इस बाउल के नाप से करीब 2 बाउल सूजी ली है, बारीक मोटी कोई सी भी सूजी ले सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा मोटी सूजी है तो उसको आप एक बार मिक्सर जार में थोड़ा सा बारीक कर ले। ये मैंने बारीक सूजी ली है, ये हम मिक्सर में डाल देंगे अपने, ये हम अपने मिक्सिंग बाउल में डाल देंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। तो देखिए सूजी डाल के भी मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये अभी थोड़ा गाढ़ा हो चुका है। तो इसमें अभी हम दूध डाल के इसको थोड़ा सा इसकी कंसिस्टेंसी ठीक करेंगे, क्योंकि सूजी जो है वो फूलती है काफी। और इसको भी हम आधे घंटे के लिए रेस्ट पे भी रखेंगे, तो ये सारी चीजों को काफी अच्छे से भी ऑब्जॉर्व करेगी। अब हम इसमें ये बॉर्बन बिस्किट लिया था मैंने, आप कोई सा भी चॉकलेट बिस्किट ले सकते हैं। इसको मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और ये मैंने 2 पैकेट लिया है, करीब ऐसे पैकेट आते हैं जो, इसके मैंने 2 पैकेट लिया है। इसको हम अपने सूजी में डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से डाल के मिक्स कर लेंगे। तो ये मैं चॉकलेट फ्लेवर लाने के लिए यहाँ पे बिस्किट का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पे आप कोका पाउडर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें धीरे धीरे करके दूध ऐड करूंगी, तो हमें हल्के हल्के करके दूध डालना है। देखिए मैंने इसमें हिसाब से दूध डाल लिया है और ये मैंने कंसिस्टेंसी रखी है अभी। और अभी हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे भी रखेंगे, तो सूजी जो है अभी काफी ऑब्जॉर्ब करेगी सारी चीजों को और थोड़ा फूलेगी भी। तो अभी हम इसको रेस्ट पे रख देते हैं। तो इसमें मैंने अभी लगभग करीब हाफ कप मिल्क यूज किया है। उसके बाद अगर रेस्ट करने के बाद जरूरत होगी तो मैं इसमें और मिल्क ऐड करूंगी। अभी हम इसको आधे घंटे रेस्ट पे रख देते हैं, फिर हम आधे घंटे बाद इसको बेक करना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आधे घंटे मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था, अब हम चेक कर लेते हैं। तो हमारा जो यहाँ पे केक का बैटर है वो गाढ़ा हो चुका है, तो जो सूजी है और जो बिस्किट का पाउडर डाला हमने वो काफी अच्छे से सारी चीजों को ऑब्जर्व कर लिया है, दूध दही और ऑयल को। तो अभी हम इसमें और दूध ऐड करेंगे। पहले हमने इसमें हाफ कप दूध ऐड किया था, तो अभी भी आप आराम से दूध डालें ताकि बैटर आपका पतला ना हो। तो मैंने अभी इसमें 1/4 कप दूध ऐड किया है। फिर से सारी चीजों को हम अच्छे से काफी विस्क कर लेंगे। कि मैंने जो 1/4 कप दूध डाला था इसमें वो मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया और ये मेरी बैटर की कंसिस्टेंसी है। तो सेम इसी कंसिस्टेंसी पे आपको भी बैटर तैयार करना है और मेजरमेंट का आपको काफी ध्यान रखना है। तो मैंने इसमें टोटल 3/4 कप के करीब दूध डाला है। पहले मैंने हाफ कप डाला था और अभी मैंने इसको बैटर की कंसिस्टेंसी को ठीक करने के लिए 1/4 कप दूध ऐड किया है। तो जैसे कि आप बिस्किट की जगह पे कोका पाउडर डाल रहे हैं, तो बिस्किट जैसे कि मैंने 1 कप लिया था पूरा, तो उसकी जगह पे आप कोका पाउडर हाफ कप यूज करें। हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल रही हूँ मैं, साथ ही मैं यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ले रही हूँ। तो इसका भी मेजरमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है। आप 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले और 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। बेकिंग पाउडर आपके केक को बेक करने में हेल्प करेगा और जो बेकिंग सोडा है वो आपके केक की स्मूथनेस को, यानी कि उसको काफी फ्लफी बनाएगा। तो इसको डालने के बाद आपको इसको एक ही डायरेक्शन में मूव करना है। तो करीब आधे मिनट के लिए बस आप इसे मिक्स कर ले अच्छे से और बस ये केक हमारा बेक होने को रेडी है।
तो आधे मिनट मैंने बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और आज जो हम केक है वो कढ़ाई में बना रहे हैं, तो कढ़ाई में बेक करने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली। आप कोई सा भी नॉन स्टिक कढ़ाई ले सकते हैं या फिर जो भी आपके पास कढ़ाई अवेलेबल है। तो इस पे मैंने बटर पेपर डाल के इसको चारों तरफ से ग्रीस कर लिया है। तो इसको मैं तवे के ऊपर रख के बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ मैंने तवे को गैस की फ्लेम पे गर्म कर लिया पहले से ही, और अब हम अपने केक को ये कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे। तवे को मैंने करीब 5 मिनट मीडियम फ्लेम पे अच्छे से हीट कर लिया है, और अब आपको इसके ऊपर कोई स्टैंड रखना है, कोई सा भी किचन स्टैंड जो आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास ये इस तरह का एक प्लेट अवेलेबल था, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया है अपने तवे के ऊपर, और अब मैं इसके ऊपर अपनी कढ़ाई रखूंगी। देखिए मैंने कढ़ाई को प्लेस कर दिया है और तवा और प्लेट हमारा अच्छे से हीट है ऑलरेडी। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे करीब 40 से 50 मिनट के लिए बेक करेंगे। लगभग पूरा इसमें 50 मिनट का टाइम लगता है इसको अच्छे से बेक होने में। तब मैं इसको ढक के रख दूंगी और मैं पूरे 40 मिनट बाद इसको चेक कर लूंगी एक बार। तो देखिए मैंने करीब पूरे 50 मिनट केक को बेक कर लिया, और अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो ये लगभग बेक हो चुकी है पूरी अच्छी तरीके से। मैंने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दी है, और ये आप देख सकते हैं साइड से इसके किनारे अपने आप ही छूट गए क्योंकि काफी अच्छे से बेक हो चुका है। मैं इसमें टूथपिक डाल के देख लेती हूँ। तो देखिए टूथपिक भी पूरा क्लीन आया हुआ है, मतलब ये बेक हो चुका है। तो अब हम इसे ठंडा कर लेंगे, करीब 10 मिनट हम इसे ठंडा कर लेंगे, फिर हम इसे सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों मैंने केक को 5-10 मिनट ठंडा करके इसे डिश आउट कर लिया। अब मैं इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए थोड़ा ग्रेट किया हुआ कोकोनट और बादाम डाल दी हूं। और मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूं। बहुत ही सॉफ्ट स्पंजी है ये केक, टेस्ट में बिल्कुल एक नंबर, बच्चों बड़ों सबको काफी आएगा और हेल्दी भी है। अब लॉकडाउन है और केक खाने का मन हो रहा हो या आपकी फैमिली में किसी का बर्थडे हो, तो आसानी से आप ये केक घर पर बनाएं बिना ओवन बिना अंडे के। तो दोस्तों आप भी बनाएं, खाएं, सबको मजे से खिलाएं। चॉकलेट सूजी केक की रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। लाइक शेयर करना ना भूलें। हमारे पेज इंडिया का तड़का पे नए हैं तो फॉलो कर ले। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।